वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरा नाम है वानी और मैं आपको अपने चैनल वानी और चैनल में वेलकम कहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा आसान और इजी भेजा फ्राई की रेसिपी। सो बकरा ईद स्पेशल है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सो अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने ले लिया है एक भेजा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। और दूसरी तरफ मैंने क्या कहते हैं और भेजे को मैंने जो है वो अच्छे से वॉश करके छन्नी में रख दिया, ठीक है। और मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हल्दी ले ली है 1 टेबल स्पून हाफ टेबल स्पून। एंड सॉल्ट मैंने ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। सो सॉल्ट आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि इट्स योर चॉइस, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली सॉल्ट यूज़ होगा। और यहाँ पे नॉर्मल यूज़ वाला जो ज़ीरा है वो मैंने 1/2 टेबल स्पून ले लिया है। और कुटी मिर्चें ले ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है और सॉल्ट ले लिया मैंने 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने क्या कहते हैं बॉईल करते वक्त भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो वाला सॉल्ट जो हमने नमक और हल्दी अलग से लिया था। और मैंने 2 मीडियम साइज़ की जो है वो ऑनियंस ले ली हैं यहाँ पर। और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर ले लिया है और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मोटी वाली मिर्चें गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे भेजा ले लेना है और इसको पानी के अंदर ऐड कर देना है और 2 से 3 बॉयल आने तक के पकाना है। और ऐसे नहीं पका देना बल्कि इसके अंदर नमक हल्दी भी ऐड कर देनी है जो हमने हाफ टेबल स्पून हल्दी और नमक लिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक पैन और उसके अंदर अब हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल हम ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से और ऑयल को गरम होने देना है। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हल्का पिंकिश टाइप के कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। सो गाइज आई रिकमेंड यू कि आप हमेशा खाना लो फ्लेम पे बनाएं। इससे क्या होता है हमारे खाने में जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्या कहते हैं जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ऑनियन, मतलब उनके बेनिफिट्स हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं बल्कि ज़ाया नहीं होते। और यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दिया है हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको डाल के मैं अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से कुछ इसको भून लूँगी। अच्छा जी, दूसरी तरफ जो है हमारे भेजे में जो है वो बॉयल आ चुका है और ये बिल्कुल अच्छा सा हो गया है, मतलब 2 से 3 दफ़ा बॉयल आ गया इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी इसको निकाल के इसके अंदर, मतलब जो हमारी प्याज और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को जो हमने फ्राई किया उसमें डाल दूँगी, ठीक है ना। भेजे को ये नहीं करना कि आपने गला देना है, मतलब भेजे को 2 से 3 बॉयल आने तक के बस उसके अंदर रखना है। बाकी ये आपने मतलब ये पॉइंट नहीं रखना कि हाँ इसको गलाने तक के पकाना है, बस 2 से 3 बॉयल आने के बाद आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है अपने ऑनियन और जिंजर गार्लिक के फ्राई में। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे इसको रख लेंगे और इसको अच्छे से ना लाइक इस तरीके से कुछ कट कर लेंगे। एंड आई डोंट नो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है थोड़ा बहुत हल्का सा, पहले हम इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। तो हमने इसको थोड़ा बहुत तोड़ लिया है, ठीक है ना, मतलब कुछ 4-5 हिस्सों में इसको कर लिया है। उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले स्पाइसेस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे स्पाइसेस थे वो हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो लाइक भेजा डालने से पहले भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने भेजा डालने के बाद ऐड किए हैं सो उसमें कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बट मैंने ऐसे ऐड किए हैं, ठीक है ना। मतलब वो बिल्कुल साथ साथ भेजे के भुनेंगे तो समझे ना ओके। तो उसके बाद फिर हमने इसको कुछ तोड़ना है अच्छे तरीके से, लाइक दिस, थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीस छोड़ने हैं, थोड़े थोड़े एक पीस, ठीक है ना। तो अब हम इसको अच्छे से तोड़ लेंगे। अब जब हमने भेजे को अच्छे से भून लिया उसके बाद फिर हमने इसके अंदर मिर्चें ऐड कर दी और इस तरीके से हमने कुछ इसको कर लिया, ठीक है ना। और जो जो बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस हैं उसको भी मैंने तोड़ दिया।
तो बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और मैंने एक प्लेट ले ली है जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम खाएंगे इसको। तो अब उस प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमने इसके ऊपर गार्निश कर देना है कोरिएंडर लीव्स। हमारा नहीं गाय का भेजा तैयार हो चुका है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्रेस ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो एंड यू हैव टू प्रेस ऑन द बेल आइकन आल्सो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफिज़।